भाग्यवान सुना ना, अब ट्राई के नए एमआरपी नियम के अंतर्गत हमें 100 चैनल और भी सिर्फ रुपए 130 में मिलेंगे। अब तो मैं तुम्हें घर के बजट में और भी कम पैसे दूंगा। पहले आप ठीक से समझिए और फिर अपना गणित कीजिए। असल में अगले महीने से आप मुझे कम नहीं बल्कि ज्यादा पैसे देंगे। वो क्यों? देखिए, जो 100 चैनल्स मिलने वाले हैं वो तो फ्री टू एयर है, जिसमें हमारे परिवार की पसंदीदा चैनल नहीं है। 100 चैनल्स में से दूरदर्शन के 24 चैनल है, जिसे हम दूर से ही दर्शन करते हैं। तो हम हमारे पसंदीदा चैनल अलग अलग ले लेंगे, फ्री टू एयर चैनल लेंगे ही नहीं। नहीं, फ्री टू एयर चैनल्स आपको लेना अनिवार्य है, उसके बिना आप पे चैनल्स नहीं ले सकते। अच्छा, अब बात करें अपने पसंदीदा चैनल्स अलग अलग लेने की, यानी आला कार्ते में लेने की। आपके लिए स्पोर्ट्स, न्यूज, हिंदी और इंग्लिश मूवीज, मेरे सीरियल्स के लिए स्टार, सोनी, कलर्स, जी, सब टीवी। अपने बच्चों के लिए कार्टून्स, सॉन्ग्स, डिस्कवरी, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी और एनसाइक्लोपीडिया की चैनल्स। और मम्मी पापा के लिए धार्मिक चैनल्स, जिनके अधिकतम चैनल के भाव 19 रुपए प्रति चैनल है और फ्री टू एयर के 130 रुपए। इसके साथ ही 18% GST जोड़कर कुल रकम होती है 500 से भी ज्यादा। हमारे आज के पैकेज के मुकाबले 3 से 4 गुना महंगा होगा और बदले में सिर्फ चंद चैनल्स ही मिलेंगे। यदि हमारा केबल ऑपरेटर हमें हमारी पसंदीदा चैनल्स का एक पैकेज बनाकर दे तो? नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ट्राई के नए नियम के अनुसार केबल ऑपरेटर फ्री टू एयर के साथ पे चैनल्स का पैकेज बनाकर नहीं दे सकते, ना ही एक पैकेज में 2 प्रसारणकर्ता यानी ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स रख सकता है। यानी कि हर प्रसारणकर्ता यानी ब्रॉडकास्टर्स के पैकेज अलग अलग लेने होंगे और उस हिसाब से भुगतान देना होगा। तो हम DTH की सेवा ले ले तो? ये नियम DTH, IPTV और सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बंधनकारक होगा। तो हम हमारे केबल ऑपरेटर के पास डिस्काउंट मांगेंगे, आखिर हम भी उसके पुराने ग्राहक हैं। ये भी नहीं होगा, क्योंकि नए नियम अनुसार केबल ऑपरेटर घोषित किए गए भाव से डिस्काउंट नहीं दे सकता और ना ही MRP में कोई बदलाव कर सकता है। इसका मतलब पहले हमारा केबल ऑपरेटर हमें 300-400 चैनल सिर्फ 350 रुपए में देते थे, वो सब चैनल के दाम अब कई गुना बढ़ जाएंगे। ये ही नहीं, अपने घर में जितने टीवी है ना, उसके हर टीवी कनेक्शन के फ्री टू एयर और पे चैनल्स के भी एक्स्ट्रा पैसे और एक ही घर में दूसरे टीवी पे मिलने वाला डिस्काउंट भी हमसे छीन लिया गया है। और हाँ, हमारे बिल का भुगतान हमें एडवांस में करना होगा। आप समझे महाशय? अब लगाओ गणित और बताओ खर्चा कम हुआ के बढ़ा।